Assalamualaikum friends, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साथ में मलिया पूरी में आप सबके लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़े की रेसिपी। तो चलिए हमारी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो मैं एक बर्तन में एक ग्लास पानी ऐड करती हूँ और उसमें एक कप शक्कर डाल दूंगी। ये आप पर डिपेंड करता है आपको कितना मीठा चाहिए। और 3 से 4 में इलायची डाल दूंगी और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम हमारे स्लाइसेस को कट कर लेंगे। हम इसे इस तरह से काट रहे हैं, आप चाहो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काटना है इसे। तो सारे स्लाइसेस हमने कट कर लिए हैं, अब हम चाशनी की तरफ चलते हैं। तो देखिए चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, हमने इसे 5 मिनट तक पकाए हैं। तो हमारी चाशनी बन गई है, हम इसे निकाल लेंगे। तो जब तक चाशनी हमारी ठंडी होती है यहाँ पर हम खोए का एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे जो हम शाही टुकड़े में ऊपर से डेकोरेट करने वाले हैं। उसमें मैं सबसे पहले 1 कप दूध डाल दूंगी और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी खोया 1 कप और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो खवे को हमने 5 मिनट के लिए पकाए हैं अच्छे से। देखिए इस कंसिस्टेंसी पर हमें बिल्कुल इतनी ही चाहिए। तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे निकाल लेंगे। तो तब तक हम स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने घी रख ली हूँ कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा वैसे ही हम स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे इसमें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये थोड़े लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हमने इसे निकाल लेना है। और इसी तरह से हम हमारे सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लेना है। तो देखिए सारे हमारे अच्छे से फ्राई होकर तैयार है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने हमारी जो स्लाइसेस हमने फ्राई किए थे उसको हम चाशनी में डाल देंगे ताकि सारे चाशनी ब्रेड में एब्जॉर्ब हो जाए और इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम सारे ब्रेड को लगा लेंगे चाशनी में। अभी हम इसके ऊपर जो हमने खोए का मिक्सचर तैयार करे थे वो इसमें डाल देंगे ऊपर से। देखिए ये हमने एक रो में से लगा लिए हैं सारे। अभी हम ऊपर से थोड़ा सा काजू बादाम कटे हुए रखे थे हमने वो ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। किशमिश भी डाल रहे हैं हम। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल लजीज यम्मी। तो फ्रेंड्स आप भी हमारी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।